लगातार जिले में नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। काराकाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाली मौथा पंचायत के संसार डिहरी गांव में नल जल योजना का हाल बेहाल है। दरअसल यहां पानी की टंकी के लिए एक साल पहले स्ट्रक्चर बनाया गया था और गांव में पानी की सप्लाई के लिए बेतरतीब पाइप भी बिछा दी गई। कहीं कहीं प्लास्टिक के नलके भी लगाए गए। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब गांव में पानी ही पानी होगा, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई। पानी के पाइप बिछे लेकिन उनमें पानी नहीं छोड़ा गया। अभी तक जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो काली माई के मंदिर के पास, वो ऐसी बस है, उस पर एक 10-20 केजी रख दीजिए तो ऐसी गिर जाएगा। वो इतना मतलब कमजोर लगा हुआ है। जो हमारे नल जल ये जो लगा हुआ है गांव में वो 1 फीट से भी कम है, 1 फीट से भी ज़्यादा कम है। और जो टोटी लगा हुआ है गाँव में वो ऐसी मतलब प्लास्टिक का लगा हुआ है, और जो तांबा पीतल का लगाना था कि क्या लगाना था हमको तो नहीं पता है। और हमारे गांव में 1 साल से ज़्यादा हो गया इसका योजना का काम करते हुए, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। और गांव में ऐसी प्लास्टिक के पाइप ऊपर सब नज़र आ रहा है, गांव के गली में देखिएगा तो सब नज़र आ रहा है। पानी नहीं चालू हुआ है, पानी नहीं चालू हुआ है। जिला पार्षद ने अधिकारियों पर बंदरबांट का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि नल जल योजना के पैसे से रोड बनवाने का भी दावा किया गया है। इसके लिए हम लिखित चिट्ठी भी दिया, 3 साल हो गया, 30% और 20% पैसा के आवंटन हो चुका है। लगभग बीपीआरओ के कहने के अनुसार 27 करोड़ रुपया निकासी हुआ, बट काम 3 करोड़ के भी नहीं हुआ है। इसके लिए हम सदन में भी मामला उठाए, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रखंड के जितने भी अधिकारी हैं उनका सेटिंग जो है मुखिया से लेकर के ग्राम पंचायत से लेकर के और जिला अधिकारी तक है, ये सारे लोग मिल करके बंदरबांट किए। उतना ही नहीं है, काराकाट में 14 लाख रुपया जो फर्स्ट किस्त आया था नल जल के लिए, उस पैसा से रोड ढलवा दिया गया। सर्राम कहिए तो सरकार की पैसा के लूट करके और बंदरबांट के लिए ये लोग एकदम। आपके प्रखंड में कितना रुपया आया था टोटल? अभी तक हमारे प्रखंड में तकरीबन 65 करोड़ रुपया आया, जिसमें से 27 करोड़ रुपया की निकासी हुआ है। काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, काम 3 करोड़ के भी नहीं है, कहीं भी आप देखा दीजिए। वास्तविक स्थिति जो दिखाई देती है वो ये कि इस गांव में नल जल योजना में घोटाले का घुन लग रहा है, जिसके चलते ही बिना काम पूरा किए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करा दिया गया। इस मद में 14 लाख की निकासी का भुगतान भी हो चुका है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गड़बड़ियां किस हद तक की जा रही हैं और इन सब के बाद भी अधिकारी बस कार्रवाई का आश्वासन मात्र दे रही हैं। ये देखिए, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और जो पत्र आपके द्वारा दिया गया है इसकी जांच करवाई जाएगी और जो फलाफल निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अधिकारियों ने बिना मॉनिटरिंग के ही समस्त राशि का भुगतान कर दिया, जबकि काम महज 20% हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी योजनाओं को ग्रहण लगा रहे अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रोहतास से रंजन सिंह, पंजाब केसरी टीवी।